अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 3 वेक्टर्स का चल रहा है, प्रॉब्लम 35। दो वेक्टर्स हमें दिखाए गए बताए गए हैं, आर और एस, जो कि एक्स वाई प्लेन में आप फिक में भी देख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन दिखाई गई है। अब उनके मैग्नीट्यूड बता दिए गए, 4.5 है, 7.3 यूनिट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वैल्यू आर की, दूसरी वैल्यू एस की, और उनके डायरेक्शन दे दी गई 320 डिग्री और 85 डिग्री। तो आपको आर की 320 डिग्री भी दिख रहा है और एस का 85 डिग्री भी दिख रहा है। अब काउंटर क्लॉकवाइज ही आपको दोनों एंगल बने हुए दिख रहे हैं। अब हमसे आर डॉट एस और आर क्रॉस एस पूछ रहा है, तो हम जानते हैं आर डॉट एस कैसे होगा। 4.5 यानी फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन दैन, तो 320 में से 85 निकाल देंगे, तो वो आपके पास जो भी एंगल होगा उसके साथ कॉस की वैल्यू लेके सॉल्व कर लेंगे, -18.8 आ जाएगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो 320 -85 डिग्री के साथ सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब चूंकि आर क्रॉस एस है तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर राइट हैंड रूल से देखेंगे तो के यूनिट वेक्टर की जानी पाएगी, तो मैंने इसके साथ के प्लेस कर दिया। तो ये इसका सलूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।